नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। दो पद चुका है और वक्त हो चुका है आपके फेवरेट शो का, जिसमें हम आपको आपके तमाम सवालों का जवाब जिम्मेदारों से दिलाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आपके फेवरेट शो का। अकेले पड़े सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, 2024 की डगर में पड़ेगी खलल, गठबंधन बनाने का सफल प्रयोग हुआ असफल, उनके बनाए गठबंधनों से आखिर क्यों नेताओं ने बनाई दूरी। अखिलेश यादव इस वक्त दोहरे संकट से जूझ रहे हैं। पहला, उनके गठबंधन सहयोगी दूर छिटक रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का गढ़ कहा जाने वाला आजमगढ़ और रामपुर भी उपचुनाव में उनके हाथ से छुटक गया। रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव के नतीजे ने दिखा दिया है कि बीजेपी की रीति नीति की रणनीति सफल रही है। उससे भी गहरा है आजमगढ़ रामपुर उपचुनाव की हार ने उनके परंपरागत मुस्लिम यादव वोट बैंक में दरार डाल दी है। उपचुनाव की जीत से उत्साहित भाजपा उनको कोर वोट यादव मतदाताओं पर भी डोरे डालने में जुटी हुई है। जबकि 2012 में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद सपा की हार का सिलसिला चल रहा है। 2017 से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस से और 2019 में लोकसभा चुनाव में बसपा से गठबंधन किया। चुनावी नतीजे निराशजनक रहे, पार्टी हर तरफ से घाटे में रही। इन दो गठबंधनों की विफलता से सीख लेते हुए 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने छोटे दलों को साथ लेकर नई सोशल इंजीनियरिंग के जरिए सत्ता में पहुंचने के असफल कोशिश की। 2017 की 47 सीटों की तुलना में जो पार्टी को मिली 111 सीटों और गठबंधन सहयोगियों सहित 125 के आंकड़े ने 2024 के लिए कुछ संभावनाएं का विस्तार किया। लेकिन बता दें कि 2024 का जो चुनाव था, देश का चुनाव है और उस चुनाव में जातीय मुद्दा नहीं होगा बल्कि देश का मुद्दा होगा और चेहरा होगा पीएम नरेंद्र मोदी। ऐसे में अखिलेश यादव क्या बीजेपी के चक्रव्यूह को तोड़ने में कामयाब रहेंगे? फिर ऐसे में अखिलेश यादव और सपा दोनों के लिए सियासी चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। नतीजे के साथ ही सहयोगियों से दूरियां बढ़ने लगी हैं, जबकि 2024 की चुनौती नजदीक है और अखिलेश अकेले पड़ते जा रहे हैं। और अकेले पड़ने का सबसे बड़ा वजह है जो उनके गठबंधन के पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं उनसे दूर छिटकती जा रही हैं और अब वो अकेले भाजपा की चुनौती का सामना करने की स्थिति में नहीं है। इसका सबूत लगातार 4 चुनावी नतीजे हैं। उनकी छवि एक ऐसे नेता की बन रही है जिसके सत्ता पर हमले ट्वीट और बयानों तक सीमित माने जाते हैं। लोगों का यह कहना है कि अखिलेश यादव एसी के कमरों में बैठकर ट्वीट करके और ट्वीट के दम पर सत्ता की कुर्सी पर काबिज होना चाहते हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल जनता का यह निकल करके सामने आ रहा है कि जनता का यह कहना है कि अखिलेश यादव आखिर मैदान में कब आएंगे। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज सीधे आपके सारे सवालों के जवाबों का आमना सामना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। मैं मेहमानों से आपका रूबरू करा दूं। अरूप अवस्थी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे, नितिन सिंह यादव समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि लगातार आपके सवालों का जवाब देते हुए रहते हैं। जो सबसे बड़ा सवालिया निशान अखिलेश यादव पर खड़ा कर रहा है वो उनके जो घटक दल है वो उनके साथ उनसे जो दूर जाता हुआ नजर आ रहा है वो सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। 2024 के चुनाव को लेकर अभी से भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में लग गई है, पूरी तरह से कमर कस लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और वही दूसरी ओर अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं तैयारियां कर रहे हैं, वो पूरा जो कार्यकारिणी उनका है उसको भंग करके नई कार्यकारिणी का गठन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच उन्हें कई झटके भी लगे हैं। जिस तरह से 2024 की तैयारी अभी से अखिलेश यादव कर रहे हैं, इसी बीच उपचुनाव में भी उन्हें बड़ा झटका लगा। जो उनका गढ़ था आजमगढ़ और रामपुर, इन दोनों जगहों पर हार ने कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया है कि अखिलेश यादव कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जो इनके साथी हैं, साथी पार्टी, वो भी कहीं ना कहीं इनके ऑपोजिट में नजर आ रहे हैं। इनके साथियों का ही कहना है कि अखिलेश यादव एसी के कमरे में बैठकर राजनीति कर रहे हैं, वो मैदान में नहीं आना चाह रहे हैं, जिसको लेकर वो अलग हो रहे हैं। वहीं ओपी राजभर ने उन पर तमाम तरह के जो इल्ज़ाम लगाए हैं, उन इल्ज़ामों के बाद लगातार समाजवादी पार्टी उसको साफ करती हुई नजर आ रही है। एक तरफ सुभाषपा का कहना है कि हमने जो लेटर जारी किया उसका जवाब नहीं आया, लेकिन जो उनके तमाम नेता हैं जो अखिलेश यादव, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे, नई तरीके से चुनाव लड़ेंगे। इस सब
इन सब अटकलों के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही निकल करके सामने आता है कि 24 के लिए कितने मजबूत है अखिलेश यादव। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, अनु अवस्थी जी और नितेन सिंह यादव, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का आज के हमारी इस खास चर्चा में। जिस तरह से धीरे धीरे अखिलेश यादव कमजोर पड़ते हुए जा रहे हैं, लगातार नितेंद्र उन पर इल्जाम लग रहे हैं, जो उनका मेन कोर वोट था मुस्लिम और यादव, उपचुनाव में जो उनका गढ़ कहा जाता था रामपुर और आजमगढ़, वहां से हार ने कहीं ना कहीं ये प्रूफ कर दिया है कि जो उनका कोर वोट है मुस्लिम और यादव वोट, वो भी उनसे छिटकता हुआ नजर आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं यादव वोट को भी साधने में लगी हुई है, किस तरह से देखते हैं आप इसको और आपको क्या लगता है कि आपकी तैयारियां कितनी मजबूत होंगी 2024 के लिए, क्योंकि 2024 देश का चुनाव है। कृष्णा जी, हम 2024 की बहुत मजबूत तैयारी कर रहे हैं और अभी तक हमने अपने जो भी एक्सपेरिमेंट किए और उससे सीख लेते हुए समाजवादी पार्टी ने अकेले दम पर, अपने संगठन के दम पर बहुत मजबूती के साथ हम लोग, हमारा जो सदस्यता अभियान चल रहा है, सदस्यता अभियान के बाद हमारे प्रदेश की ओर राष्ट्रीय सम्मेलन होंगे, प्रदेश की ओर राष्ट्रीय कमेटी, जिले की कमेटियां, सारे यूथ संगठन बहुत मजबूती के साथ तय किए और हमारा संगठन बूथ स्तर तक बहुत मजबूत, और उसी के साथ साथ हमारे जो सदस्यता के साथ साथ ही हमारे जन जागरण के कार्यक्रम भी चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कितनी छोटी छोटी चीजों में जीएसटी लगा करके महंगाई को किस स्तर पर ले जा रही है और आम गरीब आदमी के साथ किस तरीके का आने वाले समय में संकट आने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चंद्र पूंजीपतियों के हाथ में पूरे देश को सौंपने जा रहा है। तो हमारा जन जागरण का कार्यक्रम है 9 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक समाजवादी पार्टी ने प्रत्येक घर तिरंगे के कार्यक्रम को आयोजन किया है, क्योंकि 9 अगस्त 1942 वो दिन था जिस दिन अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था और उस दौर में जब जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग, आरएसएस से जुड़े लोग कर रहे थे, आज इन्होंने भी तिरंगे का सम्मान करने की बात कही है और ये लोग भी कह रहे हैं कि तिरंगा घर घर पे होना चाहिए, लेकिन अभी तक लगातार इनके आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता रहा है। इस तरीके के जो दोहरे चरित्र के लोग हैं, इसका भी जन जागरण के माध्यम से हम लोग उजागर करने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी अपनी बहुत मजबूत तैयारी के साथ है। और रही बात एक चुनाव हार जाने के बाद से लोग ये मान बैठते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी बहुत कमजोर है, ये गलत फहमी निकाल दी जानी चाहिए और ये नहीं भूलना चाहिए। चलिए पिछले हम 2017 की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सीधा 2022 के बाद, 2022 फिर उपचुनाव, उसके पहले विधान परिषद का चुनाव हुआ था, सबके नतीजे आपके सामने हैं। इसला जी, ये जो डेलीगेट के चुनाव होते हैं, इन चुनावों से किसी भी राजनीतिक पार्टी का भविष्य तय नहीं होता है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि डेलीगेट का चुनाव सदैव सत्ता के साथ होता है, जो प्रतिनिधि होते हैं जो जनता से चुन करके आते हैं, ये सदैव सत्ता के इशारे पर पुलिस प्रशासन के चुनाव था। नितेन सिंह, आपके गढ़ में चुनाव था रामपुर आजमगढ़, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, गढ़ क्या, गढ़ कुछ नहीं होता राजनीति में, हमारा पूरा कार्यक्षेत्र, पूरा प्रदेश, पूरा देश, गढ़ तो बनते बिगड़ते रहते हैं। अभी हो सकता है कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी ने कल्पना नहीं की होगी उस गढ़ में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है, तो हम लोगों ने अपनी रणनीति बहुत मजबूत बनाई है जिसका खुलासा चैनलों के माध्यम से नहीं करेंगे। अब ये रणनीति हमारे परिणाम में परिवर्तित होगी और पार्टी ने बहुत मजबूती से तैयारी की है और हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, अब छत लोगों के आने जाने से चलिए देखते हैं कि अपने गढ़ और अपने जो वोट है उनको बचाने में समाजवादी पार्टी कितनी कामयाब रहती है। हालांकि जनता के सवाल थे मैंने आपसे पूछ लिए, हमारे साथ अनुप अवस्थी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। अनुप, लगातार जनता का ये कहना है कि उपचुनाव के नतीजों के बाद कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी जो समाजवादी पार्टी के पास यादव वोट है उसको भी साधने में लगी हुई है, क्या कहेंगे? और नितेन सिंह ने अभी एक इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पर लगाया कि जो आप हर घर तिरंगा योजना चला रहे हैं और आपके आरएसएस कार्यालयों पर अभी भी तिरंगा नहीं फहराया जाता है, क्या जवाब देंगे आप इस पर? ये बहुत अच्छा इन्होंने सवाल किया है कि तिरंगा नहीं फहराया जाता, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल कर दिया कि तिरंगा नहीं फहराया जाता। पहले हम इन्हीं की बातों का जवाब देते, उत्तर देते।
ये कहां से ये लोग ढूंढ के लाते हैं, मैं देखता हूं कि लगातार ये लोग इस तरीके का अफवाह फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। अरे कैसी ये लोग बचकानी बातें करते हैं, और क्या ये पढ़ के आते हैं, क्या ये समझ के आते हैं, क्या ढूंढ के आते हैं, क्या ये देख कर आते हैं, ये इनके बुद्धि विवेक पर मैं छोड़ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी लगातार आप देख रही होंगी कि जब से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ 1980 से लेकर आज 2022 पर जब हम खड़े हैं, तो आप देख रही है कि राष्ट्रीयता की बात या देश में आजादी दिलाने वालों के सम्मान की बात या जिन्होंने देश में बड़े बड़े कारनामे करके इस देश को अंग्रेजों से मुक्त कराया, या उससे पहले चली जाइए तो आप देखती होंगी कि किस तरीके से इस्लाम से मुक्त कराया। कहने का मतलब कि ये लोग लगातार क्या बोलते हैं, इनकी बात तो ये जवाब यही दे सकते हैं, या ये बताएं कि किस मुख्यालय पर झंडा नहीं फहराया गया। और जब से ये झंडा फहराने की, पहले तो इनको ये ही नहीं पता होगा कि सार्वजनिक झंडा तिरंगा झंडा फहराने का नियम आदेश कब से आया, यही नहीं पता होगा इनको। ये बात करते हैं, देश जब आजाद हुआ तो किसी भी सार्वजनिक स्थान पर झंडा फहराने की अनुमति नहीं थी, ये शायद इनको जानकारी नहीं है, इसीलिए इस तरीके की बात करते हैं। दूसरा, आपने जनता के सवाल पे बात की, तो मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि यादव समाज नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष में सबका साथ सबका विकास के अंतर्गत जो भी लोग हैं, कोई जातिगत बात नहीं, कोई धार्मिक बात नहीं, उन सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। मैं बार बार ये इस विषय को बोलता हूं, मैं पिछली बार आपकी डिबेट में था तब भी मैंने ये कहा था कि आज सबको एक होकर भारत जो आज नए भारत की ओर बढ़ रहा है, जो एक भारत और श्रेष्ठ भारत की ओर बढ़ रहा है, सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो, सभी लोग आए। इनके दल में क्या हो रहा है उस पर हमको मतलब नहीं है। अभी ये बता रहे थे कि आजमगढ़ और रामपुर के विषय में नितेन जी ने कहा कि कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, आपको भी पता होगा, पिछला जी ये बता रहे थे आपसे। अरे भाई कैसे नहीं पड़ता है, आपको याद होगा 2017 के बाद गोरखपुर में उपचुनाव हुआ था, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शिकस्त खा गई थी, ये लोग कितना हल्ला मचाए थे कि चुनाव हार गए। अरे भाई हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, ग्राम प्रधान से लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और हम लोग हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि हमारे दल में जो चुनकर जाता है वो जनता की सेवा के लिए जाता है, इसलिए एक एक प्रत्याशी के चयन से लेकर पूरे समीकरणों को देखते हुए प्रत्याशी का चयन होता है, प्रत्याशी को उतारा जाता है, और वो प्रत्याशी जीतने के बाद, मैं इस आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक विधायक और एक मंत्री का नाम नितेन जी बता दें जो जीतने के बाद, अभी आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी ने 100 दिन का एक एजेंडा चलाया, 100 दिन के एजेंडे में मंत्री स्तर के कैबिनेट मंत्री ने जा जाकर शहरों में डेरा डाला, 3 दिन तक प्रवास किया, जनता से मिले, जनता के बीच रहे, विधायक हमारे लगातार जनता के बीच रहते हैं, मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि सारे कैबिनेट मिनिस्टर बृहस्पति शुक्र शनिचर के दिन अपने अपने क्षेत्रों में रहेंगे, सोमवार मंगलवार बुधवार, जनता ने हमको चुनकर भेजा है, जनता के लिए हम चुने गए हैं, जनता के ही काम करने के लिए जनता ने वोट दिया है, हम जनता को कैसे छोड़ सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ ये किसने कह दिया कि हम यादव समाज के पीछे हैं? अरे यादव समाज पहले से ही हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ राष्ट्रीय पदाधिकारी यादव है, हमारे यहाँ कैबिनेट में यादव है, ये जातिगत बात आती कहां से है, ये नितेन जी कहां से ढूंढ के लाते हैं, ये इनको समझना पड़ेगा। अभी इनको अपने कुनबे को संभालना चाहिए, सभी लोग धीरे धीरे करके भाग रहे हैं। अभी आपने देखा कि बहुत मजबूत स्तंभ कानपुर में चौधरी हरमोहन सिंह जी का, ये उसको नहीं संभाल पाए,
चलिए आपके सवालों का जवाब हम इन्हीं से मांग लेते हैं। नितिन सिंह, आप पे एक इल्जाम लगा कि आप लोग बस झूठा इल्जाम लगाते हैं, आपको यही नहीं पता कि ये कानून कब आया है सार्वजनिक तिरंगा फहराने का। और इन्होंने पूछा कि आप बताएं कि कितने आरएसएस के कार्यालय हैं जहां पर तिरंगा नहीं फहराया जाता है। जिसला जी बिल्कुल, पहली चीज तो मैं अनूप जी से, मैं एक सेकंड अनूप जी से पूछ लूं, अगर ये डेट ना बता पाए तो मैं जरूर बताऊंगा। ये 26 जनवरी 2002 का आम आदमी सार्वजनिक रूप से अपनी मर्जी से कहीं भी तिरंगा फहरा सकता है। ये कानून 2002 में आया, कानून नहीं थी बल्कि ये एक छूट थी। कानून नहीं होता, छूट होती है। पहले तिरंगा झंडा सार्वजनिक स्थान पर कभी भी नहीं फहराया जा सकता था। जो तो 26 जनवरी 2002 में, नोट कर ले डेट और टाइम, वो वर्ष, ये आपको जानकारी नहीं, हमको पता है, हमको पता है। 2002 में ये नियम आया था कि एक आम आदमी कभी भी कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर तिरंगा झंडा लहरा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस मुख्यालय में पूछो ये कितने दिनों तक, जब जो 26 जनवरी और 15 अगस्त के जो मुख्य त्योहार होते हैं, 2 अक्टूबर गांधी जयंती का कार्यक्रम होता है, तो ये क्या इन्होंने बनाया? और इसके अलावा मैं इनसे भी पूछना चाहता हूं कि जब 9 अगस्त को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में लोगों ने भारत की आजादी की लड़ाई छेड़ रहे थे, तो ये आरएसएस के लोग और महासभा के लोग ये क्या कर रहे थे? और 1942 में इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में सताई थी, ये हमेशा अंग्रेजों के मुख्य रहे हैं। और ये कभी भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों का, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों का देश को गुमराह करना छोड़े। ये फर्जी राष्ट्रवाद और फर्जी तिरंगे की बात ना करें। ये समाजवादी पार्टी जिसमें डॉक्टर लोहिया के का सम्मान डॉक्टर लोहिया लाहौर की जेलों में बंद थे और बर्फ की सिल्लियां में लिटा करके हाथों से प्लास्टर नाखून खींचे गए थे, ये उन लोगों के इतिहास की पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी जैसे अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाली पार्टी नहीं है। इसलिए तिरंगे के उसके सम्मान की बात तो ये लोग ना ही करें। ये लोग समय समय पर अपने चेहरे बदल लेते हैं, जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। जब इनको लगता है कि अगर किसी देश के लोगों की भावनाओं को भड़काना है या देश के लोग इनके ऊपर उछालेंगे तो ये तिरंगा लेकर के आ जाते हैं, ये भारत माता की जय करने लगते हैं। इनको ना इनका ना तो भारत माता से कोई रिश्ता है, ना तिरंगा झंडा से इनका कोई रिश्ता है। पूछना चाहता हूँ, पहली बार तिरंगा आरएसएस के मुख्यालय में नागपुर में कब फहराया गया था? अरूप जी जरा इसका जवाब देंगे, मैंने तुमको जवाब दिया 2002 में। ये आप लोगों को प्रत्येक स्थान पर सार्वजनिक स्थानों पर झंडा फहराने की अनुमति प्रदान हुई थी, लेकिन क्या अरूप जी बताएंगे कि पहली बार आरएसएस मुख्यालय में कब तिरंगा झंडा फहराया गया था? इसका जवाब जरूर देंगे। रही बात ये जो जिस तरह यादों की बात कर रहे थे, तो मैंने कोई प्रश्न नहीं था, कृष्णा जी ये आपका प्रश्न था कि भारतीय जनता पार्टी यादों को, ये जनता का सवाल था, बिल्कुल बिल्कुल जनता के बीच निकलते हम उनका व्यूज जानते, बिल्कुल 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 त्रिशला जी ये जनता का सवाल हो सकता है कि ये भारतीय जनता पार्टी गली गली जाए, लोगों के पास जाए, और हर राजनीतिक पार्टी को जाना चाहिए। मैं इस पर कोई विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी कोई सिर्फ यादव मुसलमान की पार्टी नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। हमारी पार्टी का इतिहास उठा करके देख लीजिए, हमारी पार्टी के आदरणीय नेता तेजस्वी मिश्रा जी हुआ करते थे, जिनके नाम पर इतना बड़ा लखनऊ पार्क है, आदरणीय भूषण तिवारी, आदरणीय मोहन सिंह जी, आदरणीय भगवती सिंह जी, आदरणीय बेनी प्रसाद वर्मा जी, एक पार्टी सजावट गुलदस्ता से सर्वतमान। हमारे यहाँ विधानसभा अध्यक्ष होते हैं माता प्रसाद पांडे, हमारे आज भी युद्ध का अध्यक्ष तिवारी राष्ट्रीय, चाहे मुस्लिम हो या तो हो, पिछड़े हो, दलित हो, अगड़ा हो, सबका साथ लेकर के और सबका विकास करें। हमारे यहाँ दुर्गेश वाल्मीकि से लेकर के आदरणीय जनेश्वर मिश्रा तक सारे लोग, चाहे विश्वकर्मा समाज, ज्योति समाज, कुमार समाज, तेली समाज, हर बिरादरी के लोगों को नेताजी ने हमेशा स्थान देने का काम किया है। और समाजवादी पार्टी की आज भी कार्यकारिणी जब उठा करके देखोगे तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मौजूदा समय में प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी होता है, तो राजपाल कश्यप बड़े नेता होते हैं, प्रदीप से लेकर अमिताभ बांटते, प्रमोद पांडे, पवन पांडे, लाइन लगाकर देखिए पार्टी के नेताओं का। यहाँ कोई जाति के आधार पर राजनीति नहीं होती कि कोई यादव है मुसलमान ही पार्टी में पदाधिकारी होते हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी एजेंडा चलाती है, लोगों में बदनाम करने की साजिश करती है, और ये उसी क्रम में
आज जा करके यादव समाज को हमने एक व्यक्ति को बहुत मुश्किल में कितने पूरा मुख्यमंत्री लग गए, प्रधानमंत्री लग गए, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष गए, डिप्टी सीएम 4-5 बार गए, तो उस घर से एक व्यक्ति ने अपने निजी स्वार्थ में कह दिया कि मेरा एक बेटा ले लो। अरे एक बेटा ले लो तो उससे क्रांति आ जाएगी? भारतीय जनता पार्टी को मैं बताना चाहता हूं कि आज भी गरीबों, शोषितों, पीड़ितों की लड़ाई लड़ने के लिए समाजवादी सोच के लोग हमेशा आगे आते रहे हैं और ये आगे आते रहेंगे और सही मौकों पर आपके शोषण का जवाब देते रहेंगे। ये भगवान, ये शंकर जी को मानने वाले लोग हैं, ये हिंदूवादी लोग हैं। पहला सोमवार जिस दिन था, पहले सोमवार को इन्होंने दूध दही छाछ कट्टे पर जीएसटी लगाने का काम किया था, जो पांच जो एक आधा लीटर दूध की पैकेट लेकर के लोग शंकर जी में चढ़ाते थे, उस पर उसी दिन पहले सोमवार को उन्होंने जीएसटी लगाने का काम किया। इनसे ज्यादा पाखंडी लोग हो नहीं सकते। बताइए अनुप अवस्थी जी, कब ऐसा? नहीं त्रिशला जी, जी त्रिशला जी, पहले बता, पहले बात करना चाहूंगा, थोड़ा सा बड़ा चैनल है, बड़े चैनल पे इसको बहुत लोग देखते हैं और भाषा का संयम जरूर होना चाहिए नितिन जी को। ये बहुत पढ़े लिखे बड़े एजुकेटेड व्यक्ति हैं, इनको कुछ असंसदीय शब्द शोभा नहीं देते। खैर, वो उनकी पार्टी की रीत नहीं हो सकती है। मैं 2-3 विषयों पर दूंगा जो ये बोले हैं जी। इन्होंने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अब मैं बताता हूं कि इन्होंने अपमानित कैसे किया जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे। इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को उसी दिन समाजवादी पार्टी के मुखिया ने उसी दिन कर दिया था जिस दिन कांग्रेस से अलायंस किया था। बेनी प्रसाद वर्मा का क्या अपमान हुआ इनको पता है, किस तरीके से उनको पार्टी से दरकिनार किया गया। इन्होंने किस तरीके समाजवादी सोचो भाई, और तो मनोहर जोशी जी के अपमान के बारे में सोचो जिनको चीते जीते करने दिया आपने। मैंने डेट बताई, आपने चैलेंज किया था, मुझे नहीं पता होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ पहली बार नागपुर में कब तिरंगा फहराया, ये बताओ। आप कुछ मत बताओ, पहले ये बताओ नागपुर में पहली बार तिरंगा कब फहराया। उनकी बातों का जवाब नहीं, जवाब तो मैं सब दे रहा हूँ ना नितिन जी, आपने जवाब देने थे। अगर इंटरेस्ट करेंगे बिल्कुल सुनूंगा, इंटरेस्ट करेंगे ठीक है। आप जल्दी से जवाब दे, आज का हमारा मुद्दा कुछ और है, मुद्दे से भटक रहे, आप जवाब दे तो हम मुद्दे पे और जनता। हम तो समाजवादी मुद्दे पर है, हम तो उसी मुद्दे पर है कि अखिलेश जी को जनता क्यों दरकिनार कर रही है, हम तो उसी मुद्दे पर हैं। जल्दी जल्दी से जवाब दे अनुप अवस्थी जी, फिर हम रूबरू कराए, वक्त की कमी होती है, दोनों लोग ये बात जानते हैं बेहतर। समाजवादी पार्टी के विचार को हमें साहित्यिक भाषा का ज्ञान बताने के कांग्रेस से समझौता करके लोहिया जी के समाजवाद को ये कहा ले गए। अभी इन्होंने चौधरी हरमोहन सिंह जी का क्या कहा, ये समाजवाद की परिभाषा ही नहीं जानते हैं। अगर ये समाजवाद की परिभाषा जानते होते तो ये भी नहीं कहते कि इस देश के अंदर इमरजेंसी रही तो आरएसएस और समाजवादी विचारधारा के अनेकों लोग जेल में ठूसे गए। किस पार्टी के मुखिया ने जेलों में घुसा था ये नितिन जी को पता नहीं है। अब आ जाइए आरएसएस मुख्यालय पर झंडा। तीसरा जी, आप पता कर लीजिएगा, आपके चैनल के तमाम रिपोर्टर हैं अनेक अनेक स्थानों पर, एक कोई वाकया ले आइए कि हमारे संघ के मुख्यालयों पर तिरंगा न फहराया जाता हो। ये किस तरीके का झूठा भ्रम फैलाने का काम ये करते हैं चैनल पर बैठ के, इनको शर्म आनी चाहिए। और अगर आज हम तिरंगा घर घर में लगाने की मुहिम छेड़ रहे हैं तो उसको समाजवादी पार्टी को इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? भारत मैं बड़े जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ कि नितिन जी अभी स्टूडियो के बाहर निकले और वहाँ कहे कि भारत माता की जय,
इनको वहां खड़ी पब्लिक कहती है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वंदे मातरम का नारा लगाने वाले को लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जय श्री राम का आह्वान करने वाले को लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ये हम पर बात करेंगे, ये भारत माता की जय, जिनके पार्टी के इनके पार्टी के नेता आजम खान है भारत माता को क्या कहकर संबोधित किया धरती पर दोनों लोग सुनिए, आप दोनों लोगों से मेरा एक सवाल है, भगवान श्री राम किसी के अकेले के नहीं है और राम राज्य का सपना पूरे देश का है, तो भगवान अकेले के जी मैं आपको बता रही हूँ कि जो भगवान श्री तो ना किसी को हक है भगवान श्री राम का अपमान करने का, किसने कहा, किसने कहा कि भगवान राम का नाम लेना मना है, हम कहते हैं हमें गर्व है कि मैं बोलता हूँ जय श्री राम, मुझे गर्व है कि मैं बोलता हूँ भारत माता की जय, मुझे गर्व है कि मैं बोलता हूँ वंदे मातरम, और मुझे गर्व है कि हमारी पार्टी के नारे है ये। चलिए नितिन सिंह, हम वापस मुद्दे पे आते हैं कि जिस तरह से लगातार गठबंधन टूट रहा है, अखिलेश यादव कहीं ना कहीं एक मुश्किल में फंसते जा रहे हैं, ये जनता का कहना है कि जिस तरह से जितने बड़े हैं वो अलग होते हुए नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव से गठबंधन टूट रहा है, पिछले उपचुनाव और 2022 के चुनाव का नतीजों को देखा गया, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा था कि इस बार हम किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, छोटे छोटे जो दल है उनसे गठबंधन करेंगे, उनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे, नतीजा आपके सामने था, तो लोगों का ऐसा कहना है कि 24 के लिए अखिलेश अकेले पड़ते हुए जा रहे हैं, क्या कहना आपका इस पर? कृष्णा जी देखिए, गठबंधन टूटने की बात जहां तक बात है तो कहीं कोई गठबंधन टूटने जैसी बात नहीं, कुछ लोग अवसरवादी होते हैं, समय पर आते हैं, उनका अपना चरित्र होता है, उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रश्नवाचक नहीं चिन्ह है। आप जो विषय पर बात कर रही हैं मैं उसको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आज चूंकि लगातार कई दिनों से ये सवाल पूछे जाते हैं, ओम प्रकाश राजभर तो मेरे साथ गठबंधन में थे, अब बोले गठबंधन टूट गया, मैं उनका चरित्र एक बार बता देना चाहता हूँ, आज आपके चैनल के माध्यम से दर्शक भी समझ लें, ओम प्रकाश राजभर 80 के दशक से राजनीति की शुरुआत करके आए थे, 1980 में इन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, 96 में ये बहुजन समाज पार्टी से जुड़े थे पहली बार, और इन्होंने 1996 में बहुजन समाज पार्टी से पिंडरा विधानसभा है ये उस विधानसभा से चुनाव लड़े, और इसके तत्काल बाद इनके बहुजन समाज पार्टी से रिश्ते बिगड़ गए और बसपा छोड़ दी, 2002 में इन्होंने बसपा छोड़ दी, 96 में चुनाव लड़े 4 साल के अंदर, 2001 में फिर से बसपा में टिकट मांगने गए, इनको टिकट नहीं दी गई, ये बसपा छोड़ के भाग आए, और इसके बाद सोनेलाल पटेल जो थे उनका अपना दल उस समय का जो था, इन्होंने 2002 में अपना दल ज्वाइन किया था, 2 साल अपना दल के साथ नहीं रह पाए, इनका अपना दल से रिश्ता टूट गया, 2004 में इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, अपनी पार्टी बनाने के बाद 2004 में इन्होंने लोकसभा के चुनाव लड़े, पूरी तरीके से जमानत जब्त हुई, 1% भी वोट नहीं मिला इनको, 0.07% वोट उस समय मिले थे, सोच लीजिए इनकी क्या हैसियत थी, 2007 में विधानसभा के चुनाव लड़े, सारे तरीके से जमानत जब्त हो गई, बहुत नाम मात्र के वोट मिले, फिर 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़े, पूरी तरीके से जमानत जब्त हो गई, 2012 में ये कौमी एकता दल जो इनका मुख्तार अंसारी की पार्टी है उसके साथ इन्होंने गठबंधन किया, मुख्तार अंसारी की पार्टी तो 2 सीटें जीत गई, लेकिन ये 52 सीटों में चुनाव लड़े थे और 0 पे आउट हुए, एक भी चुनाव नहीं जीत पाए, फिर ये 14 में लोकसभा का चुनाव लड़े, 14 में भी इनकी जमानतें जब्त हो गई, देवरिया के सलेमपुर से चुनाव लड़े थे, इसके बाद तनुज अवस्थी जी को याद आई कि इनकी मदद की जरूरत है 2017 में हमें, 2017 में इन्होंने इनके साथ गठबंधन किया और इनको 8 सीटें दी, 4 सीटें जीत गए, योगी जी तो सौभाग्य से मुख्यमंत्री बने थे, इनको मंत्री बना लिया, मंत्री बनने के बाद इनको किस तरीके से इन्होंने छकाया था ये बेहतर जानते हैं, मंत्रिमंडल के कार्यकाल में जो बयानबाजी करते रहे, इसके बाद इनको लगा कि अभी ये वहां तो भगा के बाहर किए गए, इनको लगा कि अखिलेश यादव जी सीधे सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, निश्चल व्यक्ति हैं, मैं इनको ठग लूंगा, ये गठबंधन के चक्कर में आए, हम लोगों ने बड़ी ईमानदारी पिछड़े होने के नाते आज पिछड़ों की बात करने के नाते इनकी बात को माना और इनको गठबंधन में शामिल किया, चुनाव में इनको 13 सीटें दी, ये 6 सीटें जीत करके आए, जीतने के बाद जो जनता का निर्णय था हमने स्वीकार किया, 5 साल हम संघर्ष के लिए तैयार है, नेता विरोधी दल के रूप में आदरणीय अखिलेश यादव जी बैठे हैं, अब इनको तुरंत लालच पड़ा कि हमें हमारे पुत्र को एमएलसी बना दिया जाए, इन्होंने अपने पुत्र को एमएलसी बनाने की बात कही,
आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मना कर दिया कि अभी आपको चुनाव लड़ाया है, आपके बेटे को भी चुनाव लड़ाया था, चुनाव आपका बेटा हार गया, उसको थोड़े दिन जनता में संघर्ष कराइए, आगे लोकसभा के चुनाव में उसको देखेंगे। बस इनके सुर बदल गए, अखिलेश यादव जी घमंडी हो गए, अखिलेश यादव जी ऐसी कमरे वाले, शिवपाल यादव ने भी यही कुछ किया था क्या? शिवपाल यादव ने भी किया था 2017 में कांग्रेस, 2019 में गठबंधन टूटे ना। एक लाइन में मैं बात खत्म कर देना चाहता हूँ, बसपा की बात सुन लीजिए, बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से कितने बार गठबंधन किया था आपको पता? कितने बार कल्याण सिंह जी के साथ रहे, गुप्ता जी के साथ रहे, 3-4 गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ हुए, फिर खत्म हो जाते रहे। पहली बार समाजवादी पार्टी ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट इसलिए किया था कि जिस तरीके दलित समाज में आदरणीय नेताजी की छवि खराब करने का काम किया जाता था, बार बार उस भूखे के साउथ कांड को लेकर के दलितों के बीच में नेताजी को और समाजवादियों की छवि खराब करने का काम किया जा रहा था, सिर्फ वो चेहरा बेनकाब करने का काम समाजवादियों ने किया कि अगर ऐसी कोई घटना हुई होती और इस तरीके का कोई कांड समाजवादियों के द्वारा किया गया होता तो वो क्या मायावती जी हमारे साथ आई होती? वो सिर्फ हमने जनता को चेहरा बेनकाब कर दिया। आज दलित समाज के लोग पहचानने गठबंधन किया था कि गेस्ट हाउस कांड नहीं हुआ था, इसके साक्ष मौजूद है, आप इस कांड में तो सवाल ना उठाए, गेस्ट हाउस कांड के मौजूद है जी। मैं बताता हूँ, वो पूरे की तरीके भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी द्वारा प्रायोजित एक स्कैंडल था, मायावती के साथ किसी तरीके की कोई घटना नहीं हुई थी। अगर आप कहती, मैं क्या देखना चाहता हूँ जिम्मेदारी से टीवी चैनल पे, एक अकेली महिला कमरे में बंद हो और 10-20 लोग उसके ऊपर अटैक कर देंगे और वो उसके शरीर में खरोंच भी नहीं आएगी, कैसी बात आप करती हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता एक महिला के साथ जो घटना हुआ था, देखिए बहन तुम्हारे मामा जी फॉर्मर सीएम उत्तर प्रदेश की, मेरी बात सुनिए, मेरी सुनिए, देखिए हम और आप कोई नहीं होते फैसला सुनाने वाले, हम आप कोई नहीं होते। देखिए आप इस गेस्ट हाउस कांड में तो आप सवाल ना उठाए, देखिए हम आप कोई नहीं होते फैसला सुनाने वाले, मेरी बात सुन लीजिए, बकायदा जांच हुई थी इसकी जी। अरे सुनिए ना भाई, आप मत उस पर सफाई दीजिए, मायावती जी खुद उस केस को वापस ले चुकी हैं और उन्होंने माना है कि घटना नहीं हुई थी। यही बात प्रूव करना था दलित समाज के बीच में कि समाजवादियों को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता मरहूम ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने बदनाम करने के लिए वो पूरा स्कैंडल रचा था कि दलितों की सहानुभूति ली जाए और फिर मायावती जी के साथ मिलकर सरकार बनाई जाए, उस चेहरे को बेनकाब करने के लिए समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया और मायावती जी ने स्वयं उस मुकदमे को भी वापस लिया और ये कहा कि वो घटना चलिए जो था मोल मोल करके बात खत्म कर दी गई। इससे सब आज दलित समाज समाजवादी पार्टी के साथ है, उसको समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से अंबेडकरवादी और समाजवादियों को लड़ाने का काम उस समय किया था, क्योंकि ये पता था कि अंबेडकरवादी समाजवादी एक हो गए तो कभी भारतीय जनता पार्टी का सूरज नहीं उगेगा और वो स्कैंडल को समाप्त करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। अब 2024 में समाजवादी और अंबेडकरवादी सोच के लोग एक साथ भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम करेंगे, जिसका मैंने स्पष्टीकरण किया, समाजवादी पार्टी ने जिससे रिश्ते बनाए हमेशा के लिए बनाए। और रही बात शिवपाल सिंह जी की, शिवपाल जी की चिंता भारतीय जनता पार्टी ना करे, वो जहां थे वहीं हैं, वो वहीं जब जरूरत होगी तो चाचा होली दिवाली दशहरा आते रहेंगे और सम्मान पाते रहेंगे, शिवपाल जी की चर्चा मत किया करेंगे। चलिए पंडित यादव की भी चिंता नहीं कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, अनुप अवस्थी क्या जवाब देंगे आप? आप पे सीधा आरोप लगा है कि आपके पार्टी के नेता ने अंबेडकरवादी और समाजवादी को एक नहीं होने देने के लिए इतना बड़ा जो घटना है उसको सुनियोजित किया और इस तरह की घटना को अंजाम दिलवाया, बताइए क्या कहेंगे आप इस पर? काफी बड़ा इल्जाम है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। ये कुछ भी बोल सकते हैं, ये स्वतंत्र है, इनको पता ही नहीं ये आज क्या बोलेंगे कल क्या बोलेंगे, क्योंकि झूठ जो होता है वो कभी सच नहीं निकलता, सच जो होता है 100 बार भी सच निकलता है। तो इनका इनका चाल चरित्र हमें पता है, इनकी पार्टी का पता है। मैं तो एक बात, ये समाजवाद और अंबेडकरवाद की बात कर रहे हैं, कौन से समाजवाद की बात कर रहे हैं? अखिलेश यादव जी का समाजवाद कि डॉक्टर लोहिया का समाजवाद कि जयप्रकाश जी का समाजवाद कि कर्पूरी ठाकुर का समाजवाद? ये किस समाजवाद की बात कर रहे हैं? समाजवाद का अर्थ सीख के आए, समाजवाद वो था जिसने संघर्ष किया, समाजवाद एक विचारधारा थी जिस विचारधारा को तोड़ने का काम अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की धरती पर किया।
समाजवाद 80-20 नहीं है, इनका पता नहीं है समाजवाद कितनी दलित महिलाओं के साथ नेताओं के किए गए कृत्य उजागर हुए। ये क्या बात करेंगे, ये प्रमाणित कर रहे हैं। अरे मैं बता रहा हूं समाजवाद 80-20 करना नहीं है, समाजवाद नहीं आई, दलित आक्रमण करना नहीं है, समाजवाद नहीं आ रही है, पूछ रख के प्रार्थना कर दी जाए, समझौता कर लिया, समाजवाद नहीं है दुर्गा, आज भी दलित बेटी को अंतिम संस्कार के बगैर एक महिला फूंक दिया जाए, राजनेता है वो जाकर ढिंढोरा पीटे, ये चाहते हैं, ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे साथ घटना नहीं हुई, किसी महिला के साथ घटना होगी, पिछला जी आप भी एक महिला हैं, क्या लगेगा जब आप समाज के बीच में जाएंगी अगर उसका उजागर हो गया। और ये कितने नेताओं की पार्टी है, किसी पार्टी के नेताओं का नाम जा सकता हूँ, विषय सब्जेक्ट दूसरा नहीं चाहता इनकी पार्टी पर, इनकी मेरी बात सुनिए, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, एक महिला का मुद्दा है, इस मुद्दे पे मैं खुद भी अभी चर्चा नहीं करना चाहती हूँ और ना ही मुद्दे से भटकना चाहती हूँ। जी त्रिशला जी, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, मैं जुम्मेदार व्यक्ति हूँ, मैं नहीं करना चाहता, लेकिन ये जिस तरीके शब्द बोले कि 10 लोग गए और खरोच नहीं आई, क्या बात करते हैं भाई ये टीवी चैनल पे बैठ कर, इनको शर्म नहीं आती, और ये किस पार्टी की बात, इनकी पार्टी की बात क्या, मेरी बात सुनिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, मेरी बात सुनिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, देश की कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी को, किसी भी इंसान को कोई हक नहीं दिया गया है कि वो महिलाओं के चरित्र पे या महिलाओं के साथ जो घटना हुई है उस पे सवाल उठाए, किसी को ये अधिकार नहीं दिया गया है। और रही बात महिला सुरक्षा की, महिला तो ये बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है और मुझे कहते हुए बहुत शर्म आती है, बहुत शर्म के साथ मैं ये बात कहती हूँ, बड़ी बड़ी बातें की जाती है महिला सुरक्षा के लिए, नेता हो गए, कई तमाम तरह के अधिकारी भी खुले मन से हाथ ऊपर करके कहते हैं कि महिला सुरक्षा, महिलाएं सुरक्षित है, लेकिन जिस तरह की बातें, जिस तरह की मानसिकता महिलाओं के लिए दर्शाई जाती है बेहद ही निंदनीय है। कहने को तो उत्तर प्रदेश में राजनीति हर कोई महिलाओं के नाम पे करता है, सबको वोट चाहिए महिलाओं का, सबको महिलाओं का वोट चाहिए, लेकिन महिला सुरक्षा कितना है ये आप सभी जानते हैं, तो आप किसी को अधिकार नहीं है कि एक महिला के साथ क्या हुआ और महिला का क्या था, उसको खरोच आई नहीं आई उस पे आप सवाल उठाएं, बहुत संवेदनशील मुद्दा है और उसमें डिबेट को यहीं पे रोकना चाहूंगी। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से लगातार अगर राजनीतिक पार्टियों से बात करो कि उनका गठबंधन क्यों टूट रहा है, उनके घटक दल जो है उनको छोड़कर क्यों जा रहे हैं, जिस तरह से लगातार राजनीतिक पार्टियां भटकाने की कोशिश करती हैं, कभी कोई सीधा जवाब नहीं देता, इससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है उसकी आंतरिक कला सामने आ रही है, आंतरिक कला सामने आ रही है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की पार्टी जो है वो बिखरते हुए नजर आ रही है। जनता का सीधा सीधा कहना है कि 2012 के बाद से 2017 2019 की बात करें लोकसभा चुनाव की, तमाम चुनाव में हार कहीं ना कहीं दर्शाती है अखिलेश यादव की कमजोरी को। हर किसी को लगता है कि सीनियर्स की जरूरत है भारत समाजवादी पार्टी में, ऐसे में अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव कितनी मजबूती के साथ 2024 की तैयारी करते हैं और वो कितने कामयाब होते हैं कि जो उनके घटक दल है और जो उनसे नाराज लोग हैं उनको मनाने में उनको मनाते हैं, या फिर पूरी नई कार्यकारिणी के साथ एक नए समाजवादी पार्टी का गठन करके 2024 के चुनाव में चुनावी मैदान में होंगे, ये सब तो आने वाले वक्त पे ही पता चलेगा। फिलहाल आज के हमारे इस शो में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस